राज्यपाल पहुंचे हैं हरिभाऊ बागड़े, मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे हैं हरिभाऊ किशनराव बागड़े। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना का दौर अब चलेगा, चूंकि आज गणेशोत्सव की धूम है। गणेशोत्सव की धूम के चलते आज से आगाज हो रहा है गणेश जी का शुभ आगमन। 10 दिन तक धूम धड़ाका पूरे ही प्रदेश भर में प्राचीन मंदिरों में चलेगा। प्रदेश के जो बड़े गणेश मंदिर हैं, और इतना ही नहीं जयपुर के भी जो 10 प्राचीन गणेश मंदिर हैं, चाहे बात मोती डूंगरी गणेश की हो या फिर नहर के गणेश जी की हो या फिर सिद्धि विनायक गणेश मंदिर की हो, तमाम मंदिरों में आज भक्तों की खासी भीड़। और इसी वजह से प्रदेश के राज्यपाल भी हरिभाऊ किशनराव बागड़े मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे हैं। प्रथम पूज्य के रूप में गणेश जी को याद किया जाता है, और आज चूंकि शुभ संयोग भी बना है, बताया जा रहा है कि आज का दिन गणेश जी को अर्पित और अगर सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा आराधना उनकी की जाती है, तो फिर आज जो शुभ संयोग कहता है वो कहता है सभी कार्यों की सफलता आज निश्चित है। अगर सच्ची मन और श्रद्धा के साथ आप गणपति बापा की आराधना करते हैं, तस्वीरें देखिएगा, सिर पर चांदी का और सोने का मुकुट गणेश जी भगवान सजाए हैं, विशेष श्रृंगार उनका किया गया है, पीत वस्त्र पहनाए गए हैं, पीले वस्त्र से उनका श्रृंगार किया गया है। और बताया जा रहा है कि मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आज 1621 किलो मोदकों का भोग भगवान गणेश को लगाया जाएगा। मोदक अति प्रिय भगवान गणेश को, इसी वजह से लड्डू का भोग। और मोती डूंगरी गणेश मंदिर में देखिए भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है, जो कि 2 दिन तक चलता है। शुरुआत इसकी कल से हुई थी, गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर भव्य मेले का शुभारंभ किया गया था और 2 दिनों तक ये चलता है। अनंत चतुर्दशी पर गणेशोत्सव का समापन होता है, जब गणपति बाप्पा को आज विराजित किया जाता है गणेश चतुर्थी के दिन, और इसके बाद मंगल कामना की जाती है। ये देखिए कल सुबह से जो कतारें लगी हैं भक्तों की, 3 बजे से 4 बजे से भक्त को दरबार में पहुंचने लगे गणेश के, और भगवान गणेश की आराधना करने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में भगवान गणेश को विशेष भोग भी लगाया जा रहा है, मोदक अति प्रिय है, मोदकों का भोग भगवान को लगाया जा रहा है, विशेष श्रृंगार भगवान का किया गया है। लेकिन आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व, और अब याद दिला रहा है जब जन्माष्टमी पर भी इस तरह से ही सुबह से लेकर रात तक मानसून मेहरबान रहा था, बारिश की गतिविधियां चरम पर थी, और आज जब भगवान गणेश को ये दिन समर्पित है, आज भी वही दृश्य है। एक तरफ प्रदेश के आराध्य गोविंद देव जी की कृपा, दूसरी तरफ प्रदेश के एक और आराध्य भगवान गणेश की कृपा भी प्रदेश पर होती हुई दिखाई दे रही है। बारिश की गतिविधियां रुकने को तैयार नहीं, मानो भगवान का ही अभिषेक कर रही हूं। ये देखिए महंत की मौजूदगी भी है वहां पर, और पूजा अर्चना की जा रही है विधि विधान के साथ मंदिर के महंतों की अगुवाई में। भक्तों की आराधना और भक्तों की आस जो भगवान गणेश के प्रति है, वो पूरा करने का प्रयास विधि विधान के माध्यम से। आज देखिएगा कितने खूबसूरत ढंग से भगवान गणेश को सजाया गया है, और इसी वजह से आज व्यवस्थाएं भी बदली है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में व्यवस्थाओं को और दुरुस्त किया गया है, पुलिस कर्मियों की भी तैनाती है मंदिर के भीतर और बाहर के परिसर में। जूते चप्पल खोलने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, प्रसादी व्यवस्था लोगों के लिए, बाहर से ही भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए प्रसाद खरीदने की भी होड़ लगी है। और इसके बाद मंदिर के भीतर जैसे जैसे दाखिल होते हैं, तो महिलाओं, बच्चों, पुरुषों की, वृद्धों की संख्या अच्छी खासी है। सुबह 4 बजे से लेकर के ही रात 9 बजे तक विशेष व्यवस्थाएं की गई है। ऐसे में पास धारकों के लिए भी अलग से व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन हर किसी से आज यही अपील की गई है कि भगवान गणेश के दरबार जब पहुंचे तो फिर शांति और वो सुकून के साथ दर्शन करने का लाभ उठाएं, किसी तरह की हड़बड़ी भगवान के दर्शनों में नहीं करनी है, ताकि अन्य श्रद्धालुओं को भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी तृप्ति गौतम हमारे साथ जुड़ी हैं।
तृप्ति, मोती डूंगरी गणेश मंदिर में फिलहाल की तस्वीरें क्या कह रही हैं? भगवान का विशेष श्रृंगार किस तरह से किया गया और राज्यपाल भी वहां पहुंचे हैं? बिल्कुल शिखा, सुबह से लगातार तस्वीरें मोती डूंगरी की हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। आम हो या खास, हर कोई यहाँ पर बप्पा के दर पर धोख लगाने के लिए, अपने आराध्य से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। और अभी की जो लेटेस्ट तस्वीर है वो हमने ये दिखाई है कि भाई राज्यपाल यहाँ पर पहुंचे हैं, बप्पा से आशीर्वाद लेंगे, प्रदेश की खुशहाली की कामना वो करेंगे। और कुछ ही देर में तस्वीरें वो भी हम दिखाएंगे जब वो यहाँ से जाने लगेंगे, उनसे बातचीत का प्रयास भी हम करेंगे। और कह सकते हैं कि वो तस्वीरें भी अब हमें नजर ही आने वाली है, क्योंकि मोती डूंगरी मंदिर सुबह से लगातार उत्साह और उल्लास का माहौल यहाँ पर था। और राज्यपाल की आने की तस्वीरें जो है वो हमने आपके साथ साझा की थी, और अब फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है कि राज्यपाल मंदिर में धोख लगा चुके हैं, पूजा अर्चना उन्होंने कर ली है और अब उनके जाने का जो जा रहे हैं और उनका जो पूरा काफिला उभार है अभी कुछ। तो ये तस्वीरें जो मोती डूंगरी से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह से हर किसी के यहाँ पर आने का जो सिलसिला था वो यहाँ पर था। लेकिन देखिए, लग रहा था कि जैसे आज का जो दिन है वो सुबह से बेहद खास है, और शिखा आपने सही भी कहा था, और हर कोई यहाँ पर आराध्य के पास यहाँ पर आने का प्रयास कर रहा था, और उसी में राज्यपाल भी शामिल हैं, आ चुके हैं। बप्पा के दर्शन उन्होंने किए, पूजा अर्चना उन्होंने की, और उसके बाद में अब उनके जाने का टाइम जा रहे हैं। और उनका जो पूरा काफिला है वो यहाँ पर बाहर था, और उनकी जो गाड़ी है वो मोती डूंगरी मंदिर के अंदर गई थी और पूजा अर्चना उन्होंने की, अब यहाँ से वो जा रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, उनका जो आने का समय था वो कहीं ना कहीं पहले से निर्धारित था, 10 बजे का समय जब कहा जा रहा था कि भाई राज्यपाल यहाँ पर आएंगे, पूजा अर्चना वो करेंगे, और वही समय जब वो यहाँ पर आए, पूजा अर्चना उन्होंने करी। और मंदिर व्यवस्थाओं की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट मंदिर में होती है तो थोड़ी सी दिक्कतें जो है वो होती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जो श्रद्धालु हैं उन्हें लगातार जैसा कि जो उनका चल रहा था पूरी व्यवस्था, श्रद्धालुओं की पूरी व्यवस्था वैसी ही रही। और जो वीआईपी मूवमेंट के लिए जो एक अलग से यहाँ पर तैयार की गई थी, प्लानिंग की गई थी, उसी तरीके से सुचारू रूप से यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट्स भी हो रहे हैं। श्रद्धालुओं को कहीं पर भी कोई दिक्कत इसलिए नहीं झेलनी पड़ रही क्योंकि यहाँ पर जो खास लोग हैं वो मंदिर आ रहे हैं, इसलिए आम लोगों को कोई परेशानी हो ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा। और उसी की एक अच्छी तस्वीर हमने भी आपको दिखाई कि जो मंदिर के पास वाला गेट है वहाँ से वीआईपी मूवमेंट्स हो रहे हैं, वीआईपी वहाँ से जा रहे हैं। और एक और गेट जो है वो तैयार किया गया है पास धारकों के लिए, जिनके पास पासेस है वो उस गेट से जा सकते हैं और अपने बप्पा के जो दर्शन है वो कर सकते हैं। और आम के लिए जो रास्ता है उसके तो क्या ही कहना है, क्योंकि गाते बजाते और गणपति बप्पा मोरिया बोलते हुए जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, जो तृप्ति तस्वीरें भी रोचक और मनमोहक सामने आ रही हैं गणेश मंदिर से। तृप्ति, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। जान